Hello, my name is Harsh. I'm currently pursuing BTech from GGS IPU, Guru Gobind Singh Indraprastha University, and I'm currently in second year. और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स और हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिक फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है. सो फोर्स होता है बेसिकली पुश और पुल. आसान शब्दों में बोले तो खींचना या फिर किसी को धक्का देना, उसको हम फोर्स कहते हैं. जैसे कि ये बॉक्स है और एक फ्लोर पे रखा है और कोई एक इंसान या एक बच्चा उसे फोर्स लगा रहा है, उसे खींच रहा है, तो उसे तो इस तब क्या हो रहा है, तब ये बॉक्स इधर मूव हो रहा है. तो बॉक्स पहले रेस्ट पे था और अब ये मोशन में आ गया है. तो फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे कि अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में ला देगा, अगर वो मोशन में है या उसकी स्पीड बढ़ा देगा, उसको चेंज कर देगा या उसे रेस्ट पे ला देगा, तो उसको हम फोर्स कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो हमारे दो टाइप की फोर्स होती है, एक होती है बैलेंस फोर्स और एक होती है अनबैलेंस फोर्स. अब बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में बस जो हमारी नेट फोर्स होती है, द नेट फोर्स विल बी जीरो. अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होती है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे या किसी भी एक बॉडी पे जो फोर्स लग रही है हर जगह से, टोटल फोर्स को हम नेट फोर्स कहते हैं. तो ये फोर्स वन है और ये फोर्स टू है, तो नेट फोर्स यहां पे क्या होगी, एफ वन प्लस एफ टू. और अगर ये जीरो हुई तो उसका मतलब है कि वो बैलेंस फोर्स है. बैलेंस फोर्स मतलब ना बॉडी या ना कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और ना ही इधर मूव कर रहा है, वो अपनी एक पोजीशन रेस्ट पोजीशन पे मेंटेन कर रहा है, वो ना ही इधर मूव कर रहा है और ना ही इधर मूव कर रहा है. तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है. इसलिए हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं. अब है अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स में हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होती, नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो. एग्जाम्पल हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ पे और कुछ बच्चे यहाँ पे. मान लो कि फॉर एग्जाम्पल पांच बच्चे राइट साइड पे हैं एंड तीन बच्चे लेफ्ट साइड पे हैं, तो जो राइट साइड की साइड होगी जहां पे हमारे पास पांच बच्चे हैं, और अदर साइड पे हमारे पास तीन बच्चे हैं, तो जो फोर्स होगी वो ज्यादा लगेगी जहां पे पांच साइड वाले, क्योंकि पांच बच्चे ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है. तो अब यहाँ इस वाली साइड पे ज्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि पांच बच्चे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ तीन बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रस्सी है वो किधर मूव करेगी, इस वाले डायरेक्शन में करेगी, और इस वाले डायरेक्शन में मूवने करेगी, और ये वाले बच्चे भी इधर इस वाले डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है, जहां पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी. तो एफ वन और इससे F1 लग रही है और इसे F2 लग रही है, तो F1 हमारी ज्यादा है F2 से, तो जो हमारी F फोर्स नेट फोर्स होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी, जिसकी वजह से एक अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी, अ बॉडी रिमेन्स इन सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. इसका मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में या फिर रेस्ट पे रहेगी अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई भारी फोर्स नहीं लगा देते. फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉक्स एक फ्लोर पे रखा है और ये इसका इनिशियल स्टेट रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स
कोई बाहर से कोई ये फोर्स नहीं लगा देता, ये रेस्ट पे ही रहेगा, इसकी इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। और दूसरा केस है हमारे पास केस टू, जहां पे एक बॉल है जो एक कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता या फिर कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं लग जाता, तो ये रुकेगी नहीं, ये अपना यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी कॉन्स्टेंट स्पीड पे। ठीक है, तो ये हमारे दो केसेस है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है कोई भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करने की, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट हैव अ टेंडेंसी टू अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। सो हमारे पास दो टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से पहले कि इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट की मास पर डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो सभी बॉडी की सो एवरी बॉडी हैज डिफरेंट इनर्शिया, क्योंकि सभी बॉडी का डिफरेंट मास होता है, तो सभी बॉडी का डिफरेंट इनर्शिया होता है। सो मास ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया पे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन इट। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई हम बस में बैठे हैं और बस आगे को चल रही है, बट हमें फील होता है कि हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये फील होता है हमें बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी अपोज कर रही होती है उस मोशन को, और इसलिए हम वो रेस्ट पे रहते हैं। तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और सेकेंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन मोशन एंटिल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बॉल, वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्स नहीं लग जाती जो कि उसे अपोज करे, जो कि इसके मोशन को अपोज करे। सो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास होता है वो ज्यादा इनर्शिया होल्ड करता है, तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास है और कौन ज्यादा इनर्शिया होल्ड करता है। तो
ऑब्जेक्ट हैज मोल मास, इट होल्ड मोर इनर्शिया. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखे, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. तो एक रबर बॉल और एक स्टोन में किसके पास ज्यादा मास होता है? ऑफकोर्स एक स्टोन के पास ज्यादा मास होता है, तो स्टोन ज्यादा इनर्शिया होल्ड करेगा. तो इसका आंसर है स्टोन. सेकेंड देखिए, अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन. ऑफकोर्स ट्रेन का साइज बाइसाइकिल से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ट्रेन के पास ज्यादा मास होता है, तो ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया होगा एक बाइसाइकिल से. ऐसे ही सेम एक 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन. एक 5 रुपी कॉइन में एक हल्की सी ज्यादा विद होती है और एक 1 रुपी कॉइन में कम विद होती है. तो ये हमारा रुपीज 5 का कॉइन है और ये रुपीज 1 का कॉइन है. तो ऑफकोर्स 5 रुपीज में ज्यादा मास है और रुपीज 1 में कम मास है एज कंपेयर टू 5. तो इसका आंसर होगा 5 रुपी कॉइन. तो आज हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मेन इनर्शिया एंड आज हमने इसका एक क्वेश्चन भी कर लिया. तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ मोशन तक का चैप्टर.